नमस्कार, आप देख रहे हैं कालचक्र और मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका। धन्यवाद। अपनी सांसों से जानिए आपको सफलता मिलेगी या असफलता। देखिए कालचक्र। तो जी हाँ, जैसे सांसों के बिना जीवन अधूरा है, उसी तरह से हमारी सांसों से जुड़ी है हमारी सेहत, सफलता, सम्मान और किस्मत। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि हम अपनी सांसों को कंट्रोल करके बिगड़े काम भी बना सकते हैं, रूठे को मना सकते हैं, बड़े से बड़े गुस्से और बीमारी को शांत कर सकते हैं और अपने दुर्भाग्य को भी सौभाग्य में बदल सकते हैं। आपकी हर सांस आपकी सफलता के लिए कितना अहम है, ये बताएंगे आज आपको पंडित सुरेश पांडे जी। तो बने रहिए कालचक्र के साथ। अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा नंबर है 01206652411, जो कि आपके टेलीविजन स्क्रीन पर भी फ्लैश हो रहा है। अगर आप नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं, शादी, पढ़ाई, नौकरी को लेकर फैसला लेना चाहते हैं, तो अपनी सांसों पर गौर करें, क्योंकि आपकी सांसें बताएंगी आपके जीवन से जुड़े हर राज। उससे पहले पंडित जी से ही जान लेते हैं कि स्वर विज्ञान के बारे में, कि क्या ये होता है स्वर विज्ञान और इसका महत्व तो आखिर क्या है, इसका असर क्या है, ये सब जानते हैं पंडित जी से, क्योंकि मुझे लगता है ये जानकारी आप सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो आज का कालचक्र आप लोग जरूर देखिए, क्योंकि सांसें तो सबकी चलती है लेकिन हम समझ नहीं पाते, और आज पंडित जी इसके बारे में विस्तार से आपको बताएंगे। बताएं पंडित जी। देखिए, आज का विषय बहुत ही रोचक है जी, बहुत ही ज्ञानवर्धक है और ये जीवन को बदल देने वाला है। अगर आज के कार्यक्रम को आपने ध्यान से सुना और 10% भी यदि आप इसको जीवन में फॉलो कर लिए, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, चाहे जितना बड़ा दुर्भाग्य आपका पीछा कर रहा होगा, वो दुर्भाग्य आपके सामने नतमस्तक हो जाएगा। बशर्ते आज का विषय जो है वो हमारे शरीर के बारे में है, हमारे व्यक्तिगत जीवन के बारे में है और कहीं बाहर का विषय नहीं है, शरीर के अंदर का विषय है। इसलिए बहुत गंभीरता से और एकाग्रचित्त होकर के इस कार्यक्रम को देखने की आवश्यकता है। अब पहली बात कहना चाहूँगा कि पहली बात तो ये सब लोगों को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि हमारी दोनों नाक के छिद्रों से हर समय सांस नहीं निकलती है। एक ही नाक से, एक ही छिद्र से श्वास निकलती है, दोनों से श्वास नहीं चलती है, हमेशा नहीं चलती है। ये कभी नाक की बाईं ओर से तो कभी दाहिनी ओर से चलती है। जब नाक के दाईं ओर से सांस चले तो इसे सूर्य नाड़ी कहते हैं, इसे पिंगला नाड़ी कहते हैं और इसे जमुना नाड़ी भी कहते हैं। तीन नाम आपको बताया मैंने, एक तो इसका नाम बताया सूर्य नाड़ी, दूसरा बताया मैंने आपको पिंगला नाड़ी, तीसरा बताया मैंने यमुना नाड़ी। और जब बाईं नाक से सांस चले तो इसका नाम है चंद्र नाड़ी, इसका नाम है इड़ा और इसका नाम है गंगा नाड़ी। तीन नाम इसके हैं, शास्त्रों में तीन नामों से इसका वर्णन मिलेगा। जब बाई नासिका से सांस चले, अर्थात जब बाई तरफ से सांस चले, तो ऐसे में विवेकपूर्ण और अस्थाई काम करने चाहिए। जैसे क्या क्या काम आप कर सकते हैं, विवाह, दान, मंदिर जलाशय का निर्माण, नए कपड़े पहनना, घर बनाना, आभूषण खरीदना, व्यापार करना, बीज बोना, दूर की यात्रा करना, पढ़ाई शुरू करना, योग क्रिया, धर्म, यज्ञ और दीक्षा लेना। जब हमारी सांस दाहिनी नासिका से चले तो ऐसे में उत्तेजना, आवेश और जोश के साथ किए जाने वाले काम करना उत्तम होता है। कभी कभी श्वास नाक के दोनों छिद्रों से एक साथ आती है तो उसे कहते हैं सुषुम्ना स्वर, उसे कहते हैं शिव स्वर, उसे कहते हैं सरस्वती नाड़ी। जब गंगा जमुना का संगम होगा तो सरस्वती हो जाएंगी ना। आपने एक बात सुना होगा कि
प्रयाग में संगम में लोग डुबकी लगाते हैं, वहां गंगा जमुना सरस्वती का संगम है, लेकिन जब वहां आप जाकर देखिए एक बार तो वहां गंगा और जमुना तो दोनों आपको मिलती हुई दिखाई देंगी। पूरब तरफ से सफेद पानी आता हुआ दिखाई आपको देगा, पश्चिम तरफ से हरे रंग का पानी आता हुआ दिखाई देगा, और दोनों पानी जहां एक जगह आकर के मिलेंगे, दोनों जल एक जगह जहां मिलेंगे, वहीं मतलब कि दोनों पानी जैसे विलुप्त हो जाते हैं, और वहीं से फिर थोड़ा सा हरे रंग का पानी हो करके और पूरब दिशा की ओर बहना शुरू करता है। तो जहां ये दोनों पानी मिलते हैं वहीं मान्यता है कि वहां सरस्वती भी मिलती है, और वहीं स्नान करने से जीवन मुक्त हो जाता है। तो कहने का मतलब स्थूल में तो ये बात है, लेकिन सूक्ष्म तत्व में ये बात है जो मैंने अनुभव किया है कि गंगा नाड़ी बाई है, दाहिनी नाड़ी जमुना है, और जब दोनों एक साथ चलती हैं तो ये है सुषुम्ना नाड़ी। इसी सुषुम्ना में नहाना अर्थात ध्यान करना, यही मोक्ष है। जब आपकी सुषुम्ना नाड़ी चल रही हो उसमें आप ध्यान करके बैठ जाएं तो आप तत्काल समाधि की अवस्था में चले जाएंगे। आपको न अपने तन का ख्याल रहेगा, न अपने मन का ख्याल रहेगा, न आपको ये सुध रहेगी कि आप कहाँ हैं। आप जैसे किसी दूसरे लोक में चले गए हैं, और उस समय जो आपको सुखानुभूति होगी उसका वर्णन आप शब्दों में ना कर पाएंगे, ये गारंटी है। इसको शिव स्वर कहते हैं, सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं, और सरस्वती स्वर भी कहते हैं। तो नासिकाओं से सांस आए, अगर दोनों नासिकाओं से सांस आए तो भूल करके भी यात्रा ना करें, कोई निर्माण कार्य न करें। यात्रा करेंगे तो दुर्घटना होगी, मर जाएंगे, निर्माण करेंगे तो घर जल जाएगा, छत गिर जाएगी, और जिस काम की शुरुआत करेंगे वही काम नष्ट हो जाएगा। गर्भधारण अगर कराएंगे तो बच्चा विकलांग पैदा होगा। अगर किसी को बुरा कह दिया तो उसे वो श्राप तत्काल लग जाएगा, और अगर किसी को आशीर्वाद दे दिया तो वो आशीर्वाद तत्काल लग जाएगा। ये स्वर दो परिस्थितियों में चलता है, पहले ध्यान से सुन लीजिए। एक तो मध्यरात्रि में चलता है, और दूसरा, और 4 मिनट ही चलता है, और दूसरा ब्रह्म मुहूर्त में चलता है। सुबह के 4 बजे से लेकर सूर्योदय तक ब्रह्म मुहूर्त होता है। इस ब्रह्म मुहूर्त में भी ये 4 मिनट के लिए स्वर चलता है, अपने आप से चलता है। जो योगी होते हैं वो तो चला भी लेते हैं, लेकिन अपने आप से 4 मिनट सबका चलता है। फिर ये दोपहर में 12:15 से 12:15 बजे के बीच में 4 मिनट के लिए चलता है। फिर ये सूर्यास्त के समय सूर्यास्त से 15 मिनट पहले और 15 मिनट बाद के बीच में 4 मिनट के लिए चलता है। इन समयों में यात्रा, गृह निर्माण, गृह प्रवेश, वाहन खरीदना, गर्भाधान करना, किसी भी क्रिया की सख्त मनाही की गई है। ये स्वर एक परिस्थिति तो हो गई जो सामान्य सब मनुष्यों के अंदर चलती है। अब दूसरी परिस्थिति क्या है भाई? दूसरी परिस्थिति यह है कि अगर आप बहुत ज्यादा क्रोध में हो जाएं, आपके क्रोध की सीमा न रहे, उस समय ये दोनों नाड़ी एक साथ चल जाती है। उस समय आपके मुंह से निकला हुआ एक एक शब्द वो सत्य हो जाएगा। या जिस समय आप इतने प्रसन्न हो जाएं, इतने प्रसन्न हो जाएं कि आपके प्रसन्नता का पारावार न हो, उस समय भी ये स्वर अपने आप चलने लगता है। उस समय आप जिसको जो भी आशीर्वाद देंगे, जो भी कहेंगे, वो 100% तत्काल सत्य हो जाएगा। ऋषि, मुनि, देवता जब किसी की तपस्या पर अति प्रसन्न होते थे तो उसे वरदान और आशीर्वाद देते थे, वो सुषुम्ना नाड़ी के प्रवाह से ही देते थे। आज भी मैं दावे के साथ कहता हूं, किसी इंसान की सुषुम्ना नाड़ी चल रही हो और आप किसी को आशीर्वाद दे दीजिए, रंग को भी राजा होने का आशीर्वाद दे दीजिए, वो राजा बन ही जाएगा। हमारे यहां एक कहावत है, लेकिन इस पर आप ध्यान नहीं देते हैं। कहावत यह है कि अरे भाई, शुभ शुभ बोलो, पता नहीं जबान पे कब सरस्वती बैठ जाए। कभी आपने इसका मतलब सोचा कि ये लोग क्यों कहते हैं जबान पे कब सरस्वती बैठ जाए?
नहीं सोचा होगा आपने गंभीरता से, मैं आपको बताता हूं, यही सुषुम्ना नाड़ी सरस्वती स्वर है। पता नहीं कब आपकी सुषुम्ना चल रही हो और आप बुरा बोल दें तो किसी के जीवन में बुरा हो जाएगा। इसीलिए शुभ शुभ बोलिए ताकि सबका शुभ हो, ये कहावत है सनातन धर्म में और ये हर घरों में कहा जाता है, लगभग लगभग लोग कहते हैं। लेकिन इसका जो गूढ़ रहस्य है उसे मैं आपको बता रहा हूं कि जब सुषुम्ना नाड़ी चलती है तो उस समय जो भी कहा जाता है वो तत्काल सत्य हो जाता है। इस स्वर के चलने पर कभी भी किसी के लिए अशुभ नहीं बोलना चाहिए। वैसे तो मैं ये कहूंगा कि कभी किसी के लिए अशुभ नहीं बोलना चाहिए, चाहे स्वर चले या न चले। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुणमेव च निर्ममो निरहंकार सम दुख सुखम क्षमी। ये 12वें अध्याय का गीता का मंत्र है जो ये कहता है कि संसार के किसी जीव से आपको द्वेष नहीं करना चाहिए, अपने समान लोगों से मित्रता करनी चाहिए, अपने से दीनहीन लोगों से करुणामयी व्यवहार करना चाहिए और किसी चीज में आसक्त और मोहित नहीं होना चाहिए और किसी प्रकार का अहंकार नहीं होना चाहिए और सुख दुख में समान आचरण करना चाहिए। ये भगवत भक्तों के लक्षण हैं। तो मैंने आपको बताया कि ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना तीन नाड़ियां, ईड़ा में क्या किया जाता है, पिंगला में क्या किया जाता है और सुषुम्ना में क्या किया जाता है, इसको आपने जान लिया। अब आगे आपको बताऊंगा कि एक ही नाड़ी में पांचों गुण कैसे चलते हैं। पांच गुण क्या है भाई? अग्नि तत्व, वायु तत्व, जल तत्व, पृथ्वी तत्व, आकाश तत्व। ये तत्व कैसे चलते हैं एक ही नाड़ी में, कैसे आप जानेंगे कि कौन सी नाड़ी में कौन सा तत्व चल रहा है, इस पे आगे चर्चा करूंगा। जरा कागज कलम रख लीजिएगा ताकि आप नोट कर पाए। जय मां विंध्यवासिनी। वाकई आज की बात की जाए तो चर्चा बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मुझे लगता है कि कालचक्र के दर्शकों के लिए आज बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी पंडित सुरेश पांडे जी बता रहे हैं, क्योंकि एक्सप्लेन कर रहे हैं और मुझे लगता है कि बहुत कम लोग होंगे हम सब में से जिन्हें ये पता होगा सांस से कैसे आप कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे फ्यूचर संवार सकते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। तो आज का कालचक्र आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, लगातार हमारे साथ बने रहिए, चर्चा आगे भी बढ़ाएंगे। लेकिन उसके पहले जान लेते हैं मेष राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का उनका पूरा दिन। मेष राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि यद्यपि मंगल आपके राशि में विद्यमान है, स्वगृही होकर के विद्यमान है, आपके आय भाव में शनि भी मूल त्रिकोण का है, अगर आप व्यवसायी हैं तो पक्की बात है कि आपको कारोबार में मुनाफा होगा। ऑफिस के काम से आपकी विदेश यात्रा का भी योग बन सकता है और यदि आप किसी एमएनसी में काम कर रहे हैं तो आपको विदेश जाने का योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। परिवार के साथ समय बिताने का भरपूर मौका मिलेगा, लेकिन दोपहर के बाद सिरदर्द आपको परेशान कर सकता है, गुस्सा आपके लिए मुसीबत खड़ी कर सकता है। हो सके तो हनुमान जी की पूजा उपासना करें। शुभ अंक आपके लिए 9 है, शुभ रंग आपके लिए लाल है। जय मां विंध्यवासिनी। तो अब जान लेते हैं वृषभ राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का उनका पूरा दिन। वृषभ राशि में बृहस्पति की स्थिति है, वृषभ राशि का स्वामी द्वितीय भाव में अस्त हुआ पड़ा है। ऐसे में मैं आपसे कहना चाहूँगा पैसों से जुड़े मामलों में थोड़ी सी सावधानी बरतिएगा। ऑफिस में आपको नई जिम्मेदारियाँ मिल सकती हैं, पारिवारिक जीवन सामान्य रहेगा, किसी बात को लेकर के आप परेशान हो सकते हैं, जल्दबाजी में कोई हस्ताक्षर न करें। आज माँ लक्ष्मी की पूजा करें। शुभ अंक आपके लिए 6 है, शुभ रंग आपके लिए सफेद है। जय माँ विंध्यवासिनी। अगर आपको किसी इंपॉर्टेंट इंसान से जरूरी काम लेना है, अगर आपके साथ अक्सर एक्सीडेंट या अनहोनी हो जाती है तो कैसे आपकी सांसें आपको सेफ रखेगी और आपके बिगड़े काम बनाएगी, ये जान लेते हैं। बताए पंडित जी। देखिए शुक्ल पक्ष में, अब जो कह रहा हूं आजमाइएगा, शुक्ल पक्ष में सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार को जब आप सोकर उठेंगे
तो उस समय आपकी बाई नाड़ी चल रही होगी, बाई नाक से श्वास चल रही होगी, एकदम पक्की बात है, नोट कर लीजिए। और उस समय चंद्रनाड़ी अधिक प्रभावशाली होती है, और कृष्ण पक्ष में मंगलवार, शनिवार और रविवार को सूर्य नाड़ी माने दाहिनी नाक का स्वर ये ज्यादा प्रभावशाली होता है। आपको किसी व्यक्ति से कोई महत्वपूर्ण काम लेना है तो आपको जिस नासिका से श्वास चल रही है उस व्यक्ति को उसी तरफ बैठाएं। देखिए अब इसमें क्या है कि आपके मर्जी से तो कोई बैठेगा नहीं, लेकिन आप अपने मर्जी से तो बैठ सकते हैं ना। जैसे किसी ऑफिस में आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, इंटरव्यू के गेट के अंदर, ऑफिस के अंदर घुसने के पहले सेकंड भर में कोई पता ना पाए, आप पता लगा लीजिए कि आपकी बाईं नाक से सांस चल रहा है कि दाहिनी नाक से। जोर से जरा सांस मारेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अगर बाईं से चल रहा है तो उस ऑफिस के गेट के अंदर आप पहले अपना बायां पैर डालिए, और अगर दाहिना श्वास चल रहा है तो पहले गेट के अंदर दाहिना पैर डालिए, और उसके बाद वहां बैठने की सीटिंग जो व्यवस्था हो, अगर आपका बायां स्वर चल रहा है तो इंटरव्यू लेने वाले को आप ऐसा बैठें कि आपके बाईं हाथ की तरफ हो, और दाहिना स्वर चल रहा है तो आप ऐसा बैठें कि इंटरव्यू लेने वाला आपके दाहिनी तरफ हो। क्योंकि यदि आपके भरे स्वर में वो बैठेगा तो पक्का है कि आपकी बातों से बिना प्रभावित हुए वो रह नहीं सकता, और यदि आपके खाली श्वास की तरफ वो बैठेगा तो आप सर पीट के मर जाइए, आपकी बातों का उसके ऊपर कोई असर नहीं होगा। तो ये इंटरव्यू देने जाने वाले बच्चों के लिए जरूरी है, ऑफिस में कोई डील करने जा रहे हैं उसके लिए जरूरी है, किसी से कोई महत्वपूर्ण वार्ता करने जा रहे हैं, कन्वेंस करने जा रहे हैं उसके लिए जरूरी है, शादी विवाह की बात करने जा रहे हैं उसके लिए जरूरी है, कि आपका स्वर जिधर चल रहा है उधर ही निर्णय लेने वाला अगर व्यक्ति बैठेगा तो आपकी सभी बातों का अनुमोदन करेगा। ऐसे में आपका काम आसानी से बन जाएगा। आपके साथ अगर बार बार दुर्घटनाएं हो रही हैं, आपको चोट लग रही है, तो ऐसे में सुबह नहाने के बाद जब आप कपड़ा पहन रहे हों तो आप देखिए कि बाईं नाक से श्वास चल रही है कि दाहिनी। जिस नाक से श्वास चल रही हो उसी नासिका की तरफ से सबसे पहले कपड़ा पहनना शुरू करें। जैसे बाईं नाक से श्वास चल रही है तो अगर आप पैंट पहन रहे हैं पहले बाएं पैर में पहनिए, फिर दाहिने पैर में पहनिए। दाहिनी चल रही है पहले दाएं में पहनिए फिर बाएं में पहनिए। शर्ट पहन रहे हैं पहले अगर बाईं चल रही है तो पहले बाएं हाथ में अपना, पहले बाएं बांह में अपना हाथ डालिए। दाहिना चल रहा है तो पहले दाहिने वाले में डालिए। इसमें क्या लगता है, लेकिन ऐसा करने से आप एकदम सुरक्षित हो जाते हैं, ऐसा करने से बड़ी दुर्घटना टल जाती है और आपका बचाव होता है। और एक काम और करना चाहिए, बहुत बार आपको बता चुका हूं, पता नहीं आप फॉलो करते हैं कि नहीं, सुबह जब उठिए तो पहले अपना हाथ देख लीजिए, कहिए कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य तु सरस्वती कर मूले तु गोविंदम प्रभाते कर दर्शनम, और अपने चेहरे पर अपना हाथ फेर करके फिर जरा सा अपने दाहिने हाथ पर दोनों नाकों से तेजी से सांस मारिए। अगर बाईं नाक से सांस चल रही हो तो बाएं हाथ से पृथ्वी का स्पर्श करके माथे पर लगाइए और बायां पैर पहले जमीन पर रख करके उतर जाइए। अगर दाहिनी नाक से सांस चल रही हो तो दाहिने हाथ से पृथ्वी का स्पर्श करके माथे पर लगाइए और दाहिने पैर से उतर जाइए। ये सब करने से आप प्रकृति के अनुकूल हो जाएंगे, आपका पूरा दिन दिव्य रहेगा, आपके जीवन में कोई अनहोनी हो ही नहीं सकती है, क्योंकि आप प्रकृति के अनुकूल वातावरण कर रहे हैं। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो हमारे जीवन को सफल और असफल बनाती हैं, इसलिए इन बातों का ध्यान रखिएगा। हाँ, एक बात मैंने कहा था आपसे कि एक ही श्वास में कब कौन सा तत्व चलता है इसका परीक्षण आप कैसे करेंगे और इसको प्रैक्टिकल में आप कैसे देख पाएंगे, ये भी आपको बताऊंगा। बस ध्यान रखिएगा कि कागज कलम आपके पास हो। जय मां विंध्यवासिनी। तो चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उसके पहले हमारे एक दर्शक भी जुड़ चुके हैं जालंधर से। राहुल, राहुल आप अपने सवाल पूछिए। हेलो पंडित जी, राम राम। राम राम पंडित जी, मेरे को चार क्वेश्चन पूछने हैं, दो भाई के बारे में, एक अपने बारे में, एक मेरी दादी ना तो संपत्ति के पीछे। प्रश्न कुंडली से इतने प्रश्नों का जवाब नहीं होता है, अगर आपको सही जवाब चाहिए तो एक प्रश्न पूछिए।
ऐसे आपको पूछने के लिए चाहे जितना पूछिए, जवाब सही होगा इसकी गारंटी नहीं है। एक प्रश्न पूछिए, एकदम कंक्रीट गारंटी के साथ जवाब लीजिए। पंडित जी, मेरे भाई ने ना एक दुकान ली थी 4 साल पहले, और उन्होंने पैसा दे दिया हुआ है, मतलब कि जो जिसकी दुकान है उन्होंने अभी हमारे नाम नहीं की हुई है, मेरे भाई के नाम। उन भाई का डेट ऑफ बर्थ है 30/9/1996 समय 5 बजे, पर भाई जब भी जाते हैं वहाँ उनके पास तो वो हर चीज का बहाना मार देते हैं, ना कॉल उठाते हैं ना कुछ करते हैं। अभी उन्होंने पेपर कोई नहीं दिया हुआ है, तो मतलब डर है कि हमारा पैसा लेके तो नहीं भाग जाएंगे, ये कब तक हमको दुकान हमारे नाम हो जाएगी। देखिए, आपने जो प्रश्न किया है इसके आधार पर मैं बता दूं कि आपके भाई का चतुर्थेश बृहस्पति बुध से द्वितीय द्वादश की स्थिति में है, वो पैसा आपका फंस चुका है और वहाँ से आपका काम होना बहुत ही असंभव दिखाई दे रहा है। वो आदमी नियत का खराब है, नियत उसकी ठीक नहीं है, अब उसकी नियत खराब हो रही है। आप कुछ अगर उसको चेक से पैसा दिए हों, अगर आपने उसको मतलब कि ठीक ढंग से पैसा दिए हों, तो आपको कानूनी कार्यवाही के बारे में भी विचार करना चाहिए, क्योंकि वो सहजता और सरलता से देने वाला नहीं है। और यदि वैसे कुछ आपने लेन देन किया हो तो हम कुछ नहीं कह सकते हैं, विवाद तो नहीं करना चाहिए, लेकिन आप ये मान के चलिए कि पैसा सही आदमी के हाथ में नहीं गया है। जय मां विंध्यवासिनी।